मैं हूं आपका दोस्त रजत और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या होती है। आज हम उसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे ट्राइंगल है, ट्राइंगल थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करते हैं हम लोग, को कुछ खिला खिला के बड़ा करता है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बड़ा करेंगे, ये नहीं मतलब ये टॉपिक का पार्ट नहीं, ये मैं ट्रायंगल बड़ा बना रहा हूं आप लोगों को दिखे ताकि, ओके ये हमारा ट्रायंगल है, ओके इधर बन रहा उधर बिगड़ रहा, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, काफी खराब हालत में है इस समय, इसको हम अच्छा कर लेते हैं। ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, ठीक। ए एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे तो पहले हम क्या करते हैं, जीरो डिग्री के लिए फाइंड करते हैं वैल्यू। जीरो डिग्री मान लीजिए, क्या कहते हैं, ये हमारा साइन एंगल ए है, सॉरी ये एंगल ए है, इसके लिए इस एंगल के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको इसकी वैल्यू अगर जीरो डिग्री हो तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए अभी तो ये एंगल कुछ है, जीरो डिग्री एंगल हमारा क्या होता है, ऐसे होता है सिंपल, इस पॉइंट पे ये क्या है जीरो डिग्री है, ये जीरो डिग्री है हमारा, तो इसको जीरो डिग्री के इक्विवेलेंट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम इसको जीरो डिग्री के इक्विवेलेंट ऐसे करेंगे, मान लीजिए हम इस एंगल को कम करते जाए, कम कैसे करेंगे, हम इस ये जो हमारी लाइन है हम इसको नीचे करते जाएंगे, ठीक, हम इसको नीचे करेंगे, हम इसको नीचे करेंगे, ओके। तो देखिए मान लीजिए ये लाइन एक बार प्रेस होके हमने यहां तक लिया है इसको, ओके ठीक, ये लाइन यहां तक आ गई, ये एंगल कुछ कम हुआ होगा, ऑब्वियसली कम हुआ होगा, ये एंगल इस वाले एंगल से बड़ा ही है, ठीक है, तो ये एंगल कुछ कम हुआ होगा, फिर हमें इसी तरह इसको तब तक प्रेस करते जाना है जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, फिर आगे हम इसको और प्रेस करेंगे तो ये यहां पर आ जाएगी, ओके। तो मान लीजिए हमारे पास जो फाइनल ट्राइंगल यहाँ पे आ गया वो कितना हो जाएगा, अब हमारे पास जो ट्राइंगल होगा सी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर सी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जैसे, तो इस तरह से अब जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा एंगल का, ऐसे बनेगा। देखिए ये हमारा है ट्राइंगल, ओके ये हमारा बनेगा ट्राइंगल आपका, ठीक दिख रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया सॉरी, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है और बन रहा है भाई, ओके ये हमारा ट्राइंगल बन गया है, ये हमारा एंगल ए बी सी, अब हम इसको और प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका आ जाएगा इस पे, ओके ये एंगल आपका कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इसी पे ओवरलैप कर जाएगी आपकी ये लाइन आपकी जब ओवरलैप कर जाएगी ए सी वाली लाइन आपकी, इसको हम और प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आते आते जब ए बी पे ओवरलैप कर जाएगी तो ये क्या फॉर्म करेगी, कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देगी, और इसके ऊपर एक और लाइन होगी जो वो कौन सी होगी, वो होगी ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये जीरो एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये हमारा एंगल ए होगा जो कि होगा ही होगा, बी को हमने टच भी नहीं किया तो बी यही रहेगा, लेकिन सी हमारा डाउनवर्ड आ रहा है तो सी होगा, यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे, ठीक, तो हमारे ये जो BC की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जब हम इसको लगातार प्रेस करते जाएंगे और उसके ऊपर ले आएंगे ओवरलैप कर देंगे तो BC हमारा कितना हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा जीरो, और BC हमारा है क्या एक्चुअल में हमारा BC है परपेंडिकुलर, या हिंदी वालों के लिए बोला जाए लंब, परपेंडिक आ गया है, कुलर नीचे कर देते हैं, ठीक परपेंडिकुलर है हमारा BC, ओके ये आपको मिल गया BC इक्वल टू जीरो, अब AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, ये याद रखिए AB इक्वल टू AC हमें दूसरी चीज मिली क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक जीरो डिग्री एंगल है, एंगल A हमारा क्या है जीरो डिग्री एंगल, फाइनली हमें वो पोजीशन मिल गया जिसके लिए हमें एंगल निकाल जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, एंगल A जीरो है, अब हम निकाल सकते हैं, तो AB क्या है हमारा, ए बी है हमारा बेस,
और हिंदी में बोले तो आधार, और एसी हमारा क्या है, एसी हमारा है हाइपोटेनियस, और इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं कर्ण, महारथी कर्ण। ओके महारथी कर्ण नहीं, कर्ण बोलेंगे ठीक। तो साइन जीरो की वैल्यू अब हम फाइंड करते हैं, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच नहीं लिखते हैं, पी हमारा क्या है, पी है हमारा ये बीसी, बीसी है परपेंडिकुलर अपॉन एच, एच है हमारा क्या हाइपोटेनियस, एसी, बीसी अपॉन एसी, एसी की वैल्यू क्या है, एसी की वैल्यू तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बीसी यहां पे जीरो हो गया और जीरो में किसी भी चीज का डिवाइड मतलब अपना सर फोड़ना, जीरो। ओके यहां पे साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो आ गई है ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू क्या आएगी, कॉस जीरो हमारा क्या होता है बेस अपॉन, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहां पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बी जो कि हमारा बेस है और ए सी जो कि हमारा हाइपोटेनस है, क्योंकि दोनों बराबर है, हम यहां पे ए बी इक्वल टू ए सी दोनों को ए मान लेते हो, ये जीरो पड़ेगा, ए बी सी दोनों बराबर है तो हम मान लेते हैं ये ए है ये ए है, दोनों ए ए कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे आ जाएगा आपका क्या वन, इतना पता चल गया वन आ गया ये आपका। उसके बाद यहां हम करते हैं टेन की वैल्यू निकालते हैं, टेन जीरो डिग्री के लिए वैल्यू टेन ए, यानी टेन ए की वैल्यू टेन जीरो, टेन जीरो के लिए अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे, टेन जीरो के लिए हमारा हो जाएगा लंबटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर तो आपका जीरो है, परपेंडिकुलर जीरो ही है ना, हाँ परपेंडिकुलर आपका जीरो है, और बेस क्या है, बेस आपका देखिए क्या है, एसी है, एसी है क्या, बेस आपका है ए बी सॉरी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी आपकी आ गई है जीरो। तो देखिए साइन जीरो की वैल्यू क्या है जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और टेन जीरो की वैल्यू क्या है जीरो। देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, पहले हम देखेंगे साइन का अपोजिट, इस फिगर को नहीं अभी अभी रफ नहीं करते हैं, साइन का अपोजिट हमारा होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट हमारा होता है कॉसेक ठीक, कॉसेक क्या होता है, चल जाओ यार, कॉसेक होता है हमारा साइन का पॉजिट, तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल आपको पता है क्या, अगर वन अपॉन जीरो लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट, या फिर आप कहें क्या एसी अपॉन बीसी, बीसी जीरो है और एसी आपका कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर जीरो का डिवाइड देते तो वो इनफाइनाइट आ जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है वो। तो कॉस जीरो के अपोजिट क्या होता है, यहां पे कॉस जीरो के अपोजिट रेसिप्रोकल वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपकी सेक के इक्वल होती है, सेक जीरो, यहां पे क्या आ जाएगा ए अपॉन ए सेम चीज आएगी, और वन अपॉन वन की वैल्यू वन ही होती है। ओके ये आपको एक दो तीन चार पांच मिल गया, आपको कॉट की निकालनी है, कॉट जीरो की वैल्यू उसी तरह, कॉट जीरो क्या हो जाएगा टेन का ऑपोजिट होता है, या फिर बोल सकते हैं टेन का रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन टेन करेंगे, वन अपॉन टेन करेंगे, टेन की वैल्यू जीरो है तो वन अपॉन टेन जीरो की वैल्यू वन अपॉन जीरो आके इनफाइनाइट यहां पे भी आ जाएगा आपका, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड, ये जीरो वन जीरो वन। ओके ये समझ में आ गया, अब चलिए 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, आई होप कि ये वाला आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ए बी ए सी की वैल्यू हमने नॉर्मली पुट की है, बस इसको प्रेस करके हमें जीरो बनाना था। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जीरो डिग्री के लिए था, अब हम देखेंगे 90 डिग्री के लिए, अब हम फाइंड करेंगे 90 डिग्री के लिए
ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे 90 डिग्री के लिए, बोर्ड हमारा साफ हो चुका है, अब हम 90 डिग्री के लिए चलिए देखते हैं क्या है। ओके, ये है हमारा एक ट्राइंगल, फिर से एक ट्राइंगल, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ ट्राइंगल ही बचा है पढ़ने के लिए, तो पढ़िए। ये हमारा एंगल ए है, ये है हमारा एंगल बी, ये है एंगल सी, हमेशा की तरह ये परपेंडिकुलर और ये एंगल है। ओके, तो आगे देखते हैं, मान लीजिए अब हमें क्या करना है, इस एंगल को हमें क्या करना है, इसके इक्वल करना है, मतलब हमें एंगल ए क्या चाहिए, हमें एंगल ए चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हम साइन 90 डिग्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 90 डिग्री पे फाइंड करने वाले हैं, और किस एंगल पे, इस एंगल पे, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल को हम 90 डिग्री कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, इस एंगल को पकड़ के ऐसे घसीटते हुए यहां तक ले जाएंगे, तब तक ले जाएंगे जब तक ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, घसीटते हुए ले जाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इसको प्रेस करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा, ये हमारा ठीक रहने दीजिए अभी। ओके, तो अगर इस एंगल को हम ऐसे जो प्रेस करके यहां तक ले गए, तो यहां पे इसकी कोई वैल्यू होगी ऐसे, देखिए ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक, थोड़ा टेढ़ी लाइन बने हैं पर मैनेज कर लीजिएगा। ओके, फिर जो उसके बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और प्रेस करेंगे तो ये आएगा और एंगल के इसके पास आ जाएगा हमारे 90 डिग्री के, तो इसकी वैल्यू इस देखिए इस एंगल से इस एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, और इस एंगल से इस एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। आप लोग प्रोटेक्टर पे अगर चेक करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू इस एंगल से ज्यादा और इस एंगल की वैल्यू इस एंगल से ज्यादा होगी। तो हमें इसको तब तक आगे बढ़ाना है बी पॉइंट तक जब तक ये 90 नहीं हो जाएगा, और बी पॉइंट पे आने के बाद वो 90 डिग्री है ही, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम उसको फाइनली यहां से देखते हैं, ये है हमारा, ये ट्राइंगल हमें फॉर्म मिल जाएगा एक, ठीक, ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी। ओके, अब हम इसको फिर से जो है क्या करते हैं, इस साइड जो है प्रेस करेंगे, इसको यहां प्रेस कर रहे हैं, यहां प्रेस कर रहे हैं, तो जब हम इसको इधर प्रेस करेंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये एक लाइन फॉर्म कर देगा। ओके, एसी हमारा क्या करेगा, बीसी पे ओवरलैप हो जाएगा, उस समय इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा, आई होप कि दिख रहा हो आपको ये लाइन दोनों अलग अलग, तो एसी हमारी जब हम उसको प्रेस करते जाएंगे, मान लीजिए ये लाइन को उठाकर मैं ऐसे प्रेस करते गए, तो एंगल हमारा क्या होगा, एंगल हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों ही एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, तो ये एंगल जब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हमारा पॉइंट बी होगा और एक पॉइंट हमारा होगा ए, क्योंकि बी पहले से है और ए स्लाइड होकर वहां तक गया है जिसको हमने जबरदस्ती पहुंचाया वहां तक, ताकि वो 90 डिग्री हो पाए। तो यहां पे अब आपका एंगल क्या हो गया, एंगल ए हो गया आपका 90 डिग्री, जो कि हमें चाहिए था। और उसके बाद जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग इसे, एसी इक्वल टू क्या है, एसी इक्वल टू आपका हो गया है बीसी, बीसी क्या है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा क्या, एसी है हमारा हाइपोटेनस, दोनों को हम शॉर्ट फॉर्म में एच ओ वाई पी ओ लिख दे रहे हैं और परपेंडिकुलर जो भी है, इसको A मान लेते हैं हम लोग ताकि हमें करने में आसानी रहे इसको। और AB की वैल्यू जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे ओवरलैप कर गया और हमारी ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर गए, तो ये तो हमारी ये AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, एक मिनट, ए बी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ए बी पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं तो ये ए बी आ रहा है जीरो, ए बी क्या है हमारा जीरो आ जाएगा, ए बी हमारा है क्या एक्चुअल में, ये है हमारा असल में बेस। ओके, तो हमारे यहाँ पे तीनों वैल्यू मिल गई है। अब हम साइन 90 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, साइन 90 में क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 हम क्यों ले रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हमें इस एंगल ए के लिए वैल्यू फाइंड करनी जिसकी वैल्यू अब 90 डिग्री हो चुकी है, तो साइन ए की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन 90 डिग्री। क्या होती है हमारे हिंदी में वैल्यू अगर बोले तो लंब बटे कड़ बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी ए है, या फिर आप पहले ऐसे लिख लीजिए बी सी अपॉन, और हाइपोटेनस आपका ए सी है, तो जो है दोनों क्या है, दोनों की वैल्यू हमने ए एलेक्ट की है क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो दोनों ही ए होंगे, तो ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1।
यहाँ पे आपके साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, साइन 90 डिग्री आपका मिल गया आपको 1। अब साइन के अपोजिट यानी साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू किसकी होती है, साइन की रेसिप्रोकल आपकी होती है कॉसेक, ठीक है। कॉसेक जो होती है हमारी, कॉसेक 90 डिग्री हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 1/sin 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री की रेसिप्रोकल। साइन 90 डिग्री की वैल्यू बन गया है मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 1/1 आ जाएगा, तो कॉसेक 90 आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री आपका आ जाएगा 1। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, आयो क्योंकि बहुत इजी था। एक बार आपको साइन की मिल गई तो उसके रेसिप्रोकल की यानी कॉसेक की उसके अपोजिट एंगल की भी मिल जाती है। अब हम देखते हैं कॉस की, कॉस की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा ए बी, ए बी की वैल्यू जिसकी 0 है, और हाइपोटेनस क्या है ए सी, ए सी क्या है, ए सी हमारा ए है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 0 जब ऊपर लग जाए तो सबको 0 बना देगा वो, ठीक। ये 0 हो गया, कॉस 90 आपका 0 हुआ, कॉस 90 यहाँ पे 0 हुआ, तो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक अगर कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/cos 90, साइन की जगह कॉस हो जाएगा सेक के केस में, तो 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 तो 1/0, 1/0 क्या हो जाता है अनडिफाइंड हमेशा की तरह, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 4 हमें मिल गया, 10 देखते हैं। 10 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका बी सी और ए बी, बी सी की वैल्यू क्या है ए, बी सी की वैल्यू है आपकी ए, और ए सी, ए सी नहीं लेना है सॉरी, ए बी लेना है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी की वैल्यू आपकी है ए और ए बी की वैल्यू आपकी 0, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। ये फिर से एक और इनफाइनाइट मिला आपको, तो 1090 यहाँ पे क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। ओके, 1090 आपको इनफाइनाइट मिला। अब जो अपोजिट केस में, कॉट के केस में, कॉट इसका अपोजिट होता है, कॉट 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 कहाँ लिखते हैं इसको, देखिए कॉट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, सॉरी इसको हम इरेज कर देते हैं, हम लोग इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉट की वैल्यू निकालते हैं। कॉट क्या होता है, कॉट 90 डिग्री। अब आप चाहें तो जो है 1/infinite कर ले, 1/infinite की वैल्यू 0 होती है, यह हमेशा याद रखिएगा, और नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, इसका अपोजिट क्या होता है BC/AB है, तो AB/BC कर देंगे इसको, क्यों, उसका रेसिप्रोकल होता है, और वैसे अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है AB और BC परपेंडिकुलर, तो आपकी क्या वैल्यू है AB की 0 और उसकी A, तो cot 90 डिग्री क्या हो गया आपका 0 हो गया। आपको देखिए यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल गई है 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ओके, ये बहुत ही इजी था। आगे हम जो है नेक्स्ट टर्म पे जो है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरह से एक एक स्टेप वाइज। और जो है अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए और हमारा ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करते रहिए। और आप फेसबुक पेज पर भी हमारे इंस्टेंट अपडेट ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।